हेलो फ्रेंड, सेल्फ गाइडेड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ राजनीति शास्त्र अध्ययन का। आज ये 8वां अध्याय है, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि सिंगल लाइन क्वेश्चंस है, आंसर हैं, और वो सभी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछी भी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो अनुच्छेद से लेकर पूरे संविधान के बारे में पूछा जाता है वहाँ से। तो ये राज्य लेवल से सेंट्रल लेवल तक का यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं। आगे चलने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा वो लाल रंग का, आप उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कर लेंगे, और जिससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक नए वीडियो मेरे पहुँचेंगे, और बेल का आइकन जरूर दबाएंगे। और इसके बाद देखिए, मैं टॉप 25 क्वेश्चंस आंसर सिर्फ लेकर चलता हूँ अपने वीडियो के सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए, पिछले अध्याय में मैंने लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता के बारे में बताया था कि 25 वर्ष होती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन मतलब कि आज के अध्याय का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो यहाँ से है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ये सब अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप इसे याद कर लीजिए, 3 बार वीडियो देख लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके बाद देखिए, जो पूछा जाएगा क्वेश्चंस वो है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मैं इस तरह से आप लोगों को सीधे सीधे बताते चल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ में अगर लेकर चलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ डायरेक्टली ही इसी तरह बताते चल रहा हूँ। तो ये है यहाँ पर, दंड विधेयक के संबंध में लोकसभा का मत अंतिम मत होता है। इसे देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम मत किसका होता है, तो वो लोकसभा का मत अंतिम होता है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन से इस तरह से पूछा जाएगा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को वेतन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो राजकोष से वेतन प्राप्त होता है। और इसके बाद है यहाँ पर, प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जो वो है जीवी मालवणकर थे। इसके बाद देखिए क्या है, वो 60 दिन तक यदि सदस्य सदन से अनुपस्थित रहता है तो पद से हटा दिया जाता है। तो ये एक रूल है सदन का, जो कि कोई भी सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित नहीं रह सकता है। और इसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था, जो 16 साल 9 महीने 13 दिन तक अपने पद पर रहे थे। तो ये सब अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद देखिए, पूछा गया है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, प्रथम महिला कौन बनी थी प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी बनी थी, और वे पहली ऐसी व्यक्ति रही हैं जो दो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री भी रही हैं, मतलब कि 2 बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं। इसके बाद देखिए, पूछा गया है मतलब कि ये क्वेश्चन है, पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब वह राज्यसभा की सदस्य थी। तो यहाँ पर फिर इसके बाद देखिए, ठीक है, तो चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप हुए,
और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे। और इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चंस, वो है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। मतलब कि वो कैबिनेट मंत्री बने हुए थे जिनका कार्यकाल 32 वर्ष तक बना हुआ था। और इसके बाद देखिए है राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने बात वाली बात है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसके बाद देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये है कि अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में संपादन व सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद गठित होनी चाहिए, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना सलाह जरूर दीजिएगा कि कैसा वीडियो रहा है, और कहीं पढ़ाई में आप लोगों को कोई भी बाधा वगैरह आती है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं आपके सवालों का जवाब दे दिया करूँगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए संघ शासन की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये तो जानते ही होंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में का प्रधान कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, यह संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, और प्रधानमंत्री योजना आयोग मतलब कि अब जो हो गया है वो नीति आयोग यहाँ पर हो गया है का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो वहाँ पर उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई है। और इसके बाद देखिए राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, तो राज्यपाल की योग्यता होती है उसकी आयु 35 वर्ष हो कम से कम, और वह विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, तो वह राष्ट्र राज्यपाल बन सकता है। और राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री मुख्य सॉरी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। तो राज्यपाल की पद शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने ही राज्यपाल का शपथ होता है। तो इस तरह से आज का टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए, और मिलते हैं अगले अध्याय में जो कि नवा पार्ट होगा, नवा लेक्चर होगा मेरा, और उसमें आप सब फिर से आइएगा। और इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।